हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और इस चैप्टर में काफ़ी कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। प्रीवियस क्लास तक आपने मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया है, और मैंने आपको उसमें बताया था गैमीट्स का फॉर्मेशन और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन के थ्रू कैसे आप बना सकते हैं। और आपने पढ़ा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो है, आइडियल मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में आता है, दैट इज 9:3:3:1 एंड जीनोटाइप 1:2:2:4:2:2:1:1:1:1 थ्री टाइम्स, और टोटल काउंट करेंगे तो 16 आएगा। अगर 16 आएगा इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट सही है, अदरवाइज़ वो गलत है। स्टूडेंट, ये बिल्कुल मैथ्स है, यहाँ पे बायोलॉजी का मैथ्स इसको बोलते हैं। और इसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडोमिनेंस। स्टूडेंट, कोडोमिनेंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आपने कोऑपरेशन का नाम सुना होगा, आपने को स्टार का नाम सुना होगा। को स्टार का मतलब क्या होता है, या को वर्कर। को वर्कर मीन्स जो साथ साथ काम करते हैं, को वर्कर्स। को स्टार मतलब स्टार जो साथ साथ काम करते हैं, कोऑपरेशन मिलकर काम करना। यहाँ पे देखिए है को डोमिनेंस। आपने डोमिनेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये सब आपने पढ़ा है। यहाँ पे को डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने पढ़ा है कि जब भी कोई एलील अपना इफेक्ट पूरी तरह से शो नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टूडेंट, यहाँ पे है को डोमिनेंस। को वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो एलील्स एक साथ मिलकर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, राइट। यानी जब भी कोई ट्रेट और उसका एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है बाय प्रेजेंस ऑफ टू एलील टुगेदर, दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अदर वर्ड्स में बोला जाए कि जब किसी भी ट्रेट का एक्सप्रेशन तभी होता है जब दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोडोमिनेंस एंड द एलील्स आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील्स। क्लियर स्टूडेंट? तो आइए इसको पहले नोट कर लेते हैं और फिर से एक बार हम लोग उसको याद कर लेंगे। सो व्हाट इज कोडोमिनेंस? फेनोमेना ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ a trait in presence of two alleles together is called codominance and alleles are called codominant alleles. Okay student, तो codominance क्या है? Phenomena of expression of a trait in presence of two alleles together is called codominance. यानी कोई भी ट्रेट तभी एक्सप्रेस होगा जब दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट होगा, तो इस फेनोमेना को बोलेंगे कोडोमिनेंस, और एलील्स को बोलेंगे स्टूडेंट कोडोमिनेंट एलील्स, राइट। एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं और वो दोनों होमवर्क करते हैं एक साथ। जैसे एक स्टूडेंट अगर होमवर्क करेगा और दूसरा नहीं कर रहा है, तो जो करना चाह रहा है वो भी नहीं करेगा, और दूसरा वर्क अकेले करेगा और पहला नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं करेगा।
यानी कोई पर्टिकुलर वर्क वो तभी करते हैं जब दोनों एक साथ होते हैं, राइट। तो ये भी क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, देखिए इन ह्यूमन बींग, अब एग्जाम्पल लेते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग स्टूडेंट, जो ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है बाई जीन आई, और जीन आई क्या करता है, इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ सुगर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो आइए इसको समझते हैं, पहले एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड बाई आईजीन। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड बाई आईजीन। ओके, और कैसे, बाई कंट्रोलिंग प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ सुगर फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। स्टूडेंट, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन में, जो ब्लड ग्रुप है ABABNO, उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल बाय आईजीन, और आईजीन कैसे इसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन, कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा ये डिसाइड करेगा आईजीन, और कैसे, बाय कंट्रोलिंग प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ सुगर, किस तरह का सुगर बनेगा, सुगर पॉलीमर बनेगा, फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, और जिस काइंड ऑफ सुगर का सिंथेसिस होगा उसी तरह का ब्लड ग्रुप स्टूडेंट वहाँ पे डेवलप होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा कोडोमिनेंस। सो स्टूडेंट, कोडोमिनेंस क्या है, व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स टुगेदर, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। और एलील्स को बोलेंगे कोडोमिनेंट एलील्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम सीक्वेंस। देखिए, जो आई जीन है स्टूडेंट, आई जीन यही ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। तो आई जीन हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स। स्टूडेंट, जो आई जीन है उसका थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स होता है। ओके, और ये थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स क्या है उसको समझते हैं। दैट इज आई टू द पावर ए, आई टू द पावर बी एंड स्मॉल आई। थ्री डिफरेंट एलील है स्टूडेंट, आई टू द पावर ए, आई टू द पावर बी एंड स्मॉल आई। अब देखिए, आई ए एंड आई बी ये प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ
शुगर, और आई जो एलील है ये आई एलील लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्रोड्यूसेस नो शुगर, ये कोई भी शुगर नहीं बनाता। तो आइए इसको फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। इन ह्यूमन बीइंग एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल बाय आई जीन। आई जीन का स्टूडेंट थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स है। एलील क्या है आपको मालूम है, एलील इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। तो आई जीन के थ्री डिफरेंट एलील्स कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। आई ए आई बी प्रोड्यूसेस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, मीन्स आई ए अलग शुगर प्रोड्यूस कर रहा, आई बी अलग, और आई एलील प्रोड्यूसेस नो शुगर, कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता स्टूडेंट। और इस बेसिस पे ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड ग्रुप है वो फोर टाइप्स का हुआ, यानी फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप अपीयर होता है इन ह्यूमन बीइंग। तो फिनोटाइप टाइप कितना हुआ, फोर टाइप्स, और उस फोर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीनोटाइप है, मैक्सिमम जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो कितना होगा, दैट इज सिक्स टाइप्स, राइट स्टूडेंट। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आई जीन है जिसके थ्री डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स हैं वो कितना मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और कितना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो रहा है। तो अभी मैंने बताया आपको कि इन ह्यूमन बीइंग देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, मींस जो ब्लड ग्रुप का एक्सप्रेशन है फिनोटिपिक है वो कितना है, फोर है, और जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनेगा वो कितना बनेगा, सिक्स बनेगा। तो इन ह्यूमन बीइंग देखिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या हुआ स्टूडेंट, ए बी ए बी एंड ओ, ये फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप हुए। अब ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या जीनोटाइप होगा, तो ये फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, व्हाट आर दीज, दे आर फिनोटाइप, फिनोटाइप हो गए, कितने हुए फिनोटाइप, फोर। अब इसके लिए हम लोगों को जीनोटाइप निकालना है कि इसके लिए कौन कौन से एलील होंगे। तो अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे आई जीन होता है, ठीक है, आई जीन का थ्री डिफरेंट फॉर्म है, आई टू द पावर ए, आई टू द पावर बी एंड स्मॉल आई, ये थ्री डिफरेंट फॉर्म है इसके। अब इसका हम लोगों को मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाना है इसके लिए जो कंट्रोल करते हैं, राइट। यानी ए ब्लड ग्रुप के लिए क्या जीनोटाइप हो सकता है, और एलील पेयर में होता है तो पेयर में हमको लेना है। देखिए आई के लिए जो एलील होगा वो आई टू द पावर ए और आई टू द पावर ए होगा, ये एलील होगा जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप के लिए, और इसको बोल सकते हैं आई टू द पावर ए एंड स्मॉल आई। स्टूडेंट यहाँ पे आप जानते हैं स्मॉल आई प्रोड्यूसेस नो शुगर, ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, इट प्रोड्यूसेस नो शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई ए एलील है वही डोमिनेंट है, राइट। तो इसका दो जीनोटाइप हुआ, उसी तरह बी का लेंगे, आई टू द पावर बी, आई टू द पावर बी और आई टू द पावर बी एंड स्मॉल आई। यहाँ पे भी देखिए स्मॉल आई प्रोड्यूसेस नो शुगर, तो बी डोमिनेटिंग है, ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस, यहाँ तो ये बनेगा ही बनेगा। और ए बी की बात करें तो स्टूडेंट ए बी ब्लड ग्रुप तभी अपीयर होगा जब यहाँ पे दो एलील्स एक साथ होंगे, दैट इज ए आई टू द पावर ए एंड आई टू द पावर बी। और ओ ब्लड ग्रुप के लिए स्टूडेंट यहाँ पे स्मॉल आई और स्मॉल आई होगा एलील्स, क्योंकि यहाँ पे कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं होता। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग में, दिस इज कॉल्ड ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसके बारे में 11th में काफ़ी डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। तो कितने मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो जीनोटाइप कितना हुआ स्टूडेंट 6, और फिनोटाइप कितना हुआ 4। ये BHU PMT में क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ था कि इन ह्यूमन बींग ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप हैं, तो 4, और कितने जीनोटाइप हैं 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 जीनोटाइप हैं और यहाँ 4 फिनोटाइप है। अब इस चार्ट में आप क्या स्टडी कर रहे हैं, देखिए अभी हम लोग कोडोमिनेंस से रिलेटेड है, तो सबसे पहले कोडोमिनेंस की बात करते हैं। इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं AB ब्लड ग्रुप के केस में, यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब दो एलील्स i^A एंड iB एक साथ होंगे। यहाँ पे देखिए इस केस में अगर यहाँ पे एक A नहीं है तो भी A ब्लड ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल एलील है तब भी B ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ओके सिंगल एलील के थ्रू भी B ब्लड ग्रुप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, AB ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब ये दो एलील्स एक साथ होगा, कौन सा IA एंड IB। तो इस फेनोमेना को आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, कोडोमिनेंट एलील्स है, दिस इज कोडोमिनेंट एलील्स, और इस फेनोमेना को आप क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस, राइट। फिर से समझना चाहते हैं, AB ब्लड ग्रुप तभी बनेगा जब दो एलील IA IB एक साथ होगा, अगर इसमें से कोई भी एलील अब्सेंट हो जाएगा तो AB ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, यानी AB ब्लड ग्रुप के लिए उसके एक्सप्रेशन के लिए दो एलील्स का साथ साथ होना कंपलसरी है, एंड दीज टू एलील्स स्टूडेंट आर कॉल्ड कोडोमिनेंट एलील्स, क्लियर। तो ये एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा इन ह्यूमन बींग केवल AB ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है किसका, कोडोमिनेंस का, और एलील्स को बोलेंगे कोडोमिनेंट एलील। इसी तरह आपने कुछ एनिमल्स देखा होगा, जैसे डॉग का एग्जाम्पल है या काऊ का एग्जाम्पल लीजिए, उसमें आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर के होते हैं, एक वाइट कलर के होते हैं, और एक होता है ब्लैक वाइट मिक्स होते हैं। आप ऑब्जर्व किया होगा आपने नेचर में, तो काऊ डॉग जनरली ऑब्जर्व हो जाते हैं, एक ब्लैक कलर के होते हैं, एक वाइट कलर के होते हैं, और एक मिक्स कलर के होते हैं। तो जो मिक्स कलर के होते हैं स्टूडेंट उसको बोलते हैं रोन कोट स्किन कलर एनिमल्स। तो वो कहाँ से आया, वहाँ पे ब्लैक और वाइट दोनों एलील एक साथ प्रेजेंट हो गए और कलर मिक्स हो गया, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पल क्या है, कोडोमिनेंस का, राइट। और ह्यूमन बींग में तो आपने देखा ही, अच्छा ये तो कोडोमिनेंस हो गया। अब यहाँ से एक कंक्लूजन आप और भी निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल बाई मोर देन टू एलील्स। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बन रहा है वो मोर देन टू एलील से कंट्रोल हो रहा है, राइट। जैसे आई जीन है इसका दो से ज़्यादा एलील है, 3 एलील्स है, तो दो से ज़्यादा एलील्स है तो उसको क्या बोलेंगे आप, इट विल बी कॉल्ड एज, ये आपने नोट कर लिया इसको, तो यू कैन नोट डाउन इट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यू कैन पॉज योर सिस्टम एंड यू कैन नोट डाउन द कंटेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको कोडोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब कोई भी ट्रेट का एक्सप्रेशन तभी होगा जब दो एलील्स प्रेजेंट होगा, तो इस फेनोमेना को बोलेंगे कोडोमिनेंस और एलील्स को बोलेंगे कोडोमिनेंट एलील्स। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं, बट ये अभी रहेगा आई जीन वाला। देखिए मल्टीपल एलिलिज्म, ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, देखिए स्टूडेंट अभी आपने देखा ABO ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल, बट ओवरऑल ब्लड ग्रुप को अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो ओवरऑल ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस है, जो ट्रांसफर है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, कितने एलील्स पे डिपेंड कर रहा है, मोर देन टू एलील्स पे। तो जब किसी भी ट्रेट का एक्सप्रेशन दो से ज़्यादा एलील्स पे डिपेंड करता है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स, मल्टीपल मींस मेनी, और इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, मल्टीपल एलील्स मींस व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इज डिपेंडेंट अपॉन मोर देन टू एलील्स देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। तो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो दो एग्जाम्पल शो करता है,
वन मल्टीपल एलिलिज्म एंड सेकेंड को डोमिनेंस जो केवल ए बी ब्लड ग्रुप में है। बार बार मैं बोल रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ओवरऑल ब्लड ग्रुप, ओवरऑल ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन टू एलील्स, राइट। क्या लिखा आपने? ओवरऑल ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन टू एलील्स। तो मोर देन टू एलील्स मतलब कितना है? थ्री एलील्स है, विच आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, तो ओवरऑल ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग इज कंट्रोल्ड बाई मोर देन टू एलील्स विच आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड मल्टीपल एलिलिज्म। तो स्टूडेंट एक लाइन में फिर से याद रख लीजिए, ए बी ओ ब्लड ग्रुप दो फेनोमेना शो करता है, वन मल्टीपल एलिलिज्म एंड सेकेंड को डोमिनेंस, बट को डोमिनेंस फेनोमेना इज शोन बाई ओनली एंड ओनली ए बी ब्लड ग्रुप, राइट। अब इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और वो हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ब्लड ग्रुप एक हेरिडेटरी करेक्टर है और ये पेरेंट से चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होता है, मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ब्लड ग्रुप ट्रांसफ़र होता है स्टूडेंट। अब देखिए एक क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं, अभी बोर्ड पे भी हम लिखेंगे कि इफ, क्वेश्चन क्या है, इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए बी, फाइंड आउट पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन देयर ऑफस्प्रिंग और चिल्ड्रन। फिर से रिपीट कर दें, ए ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज ए बी, फाइंड आउट पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन देयर चिल्ड्रन और स्टूडेंट ऑफ स्प्रिंग। तो क्वेश्चन क्या है, अब समझ गए, आपने नोट कर लिया, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझा देते हैं स्टूडेंट। फादर का जो ब्लड ग्रुप है, फादर ब्लड ग्रुप ए, मदर ब्लड ग्रुप ए बी। फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है और आपको बताना है कि इनके चिल्ड्रन में, इनके ऑफस्प्रिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो इसको आप सॉल्व करिए। अब देखिए आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ए के लिए आपको एलील लेना है और ए बी के लिए एलील लेना है, राइट, और उसका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। देखिए क्या है स्टूडेंट, ए के लिए आपने देखा अभी कि दो टाइप्स ऑफ एलील का कॉम्बिनेशन बनता है, आई ए एंड आई ए, और दूसरा आई ए स्मॉल आई। एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है। तो जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो हेट्रोजाइगस लीजिएगा, क्योंकि अगर आप होमोजाइगस लेंगे तो रिजल्ट इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ एलील्स नहीं रहेगा। तो वैरायटी ऑफ एलील्स नहीं रहेगा तो वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और अगर आप सपोज होमोजाइगस ले लेते हैं तो होमोजाइगस जो एलील है
उससे भी कराना पड़ेगा आपको, हेट्रोजाइगस से भी कराना पड़ेगा। और अगर आप केवल हेट्रोजाइगस लेते हैं तो रिजल्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई के लिए जो एलील आपको लेना है वो क्या है, इट इज आई टू द पावर ए एंड स्मॉल आई। ए बी के लिए एलील्स आपने याद कर लिया होगा, आई टू द पावर ए एंड आई बी। और अभी मैंने आपको बोला कि ब्लड ग्रुप एक हेरिडिटरी करेक्टर है, तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज जस्ट लाइक मेंडेलियन क्रॉस, तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस यहाँ फॉलो होगा। तो इसके लिए आप पहले अलग अलग कर लेंगे, क्या हुआ आई टू द पावर ए स्मॉल आई, यहाँ पे आपको दो मिलेगा आई ए एंड आई बी। तो देखिए दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, टू टू ज़ा फोर, बीच में क्रॉस है, तो आप यहाँ पे फोर बॉक्सेस बना लेंगे, फोर बना स्टूडेंट। अब इस फोर में आपको एलील रखना है, तो आपने एलील रखा, सपोज इधर वाला यहाँ पे रख दे रहे, मैंने आपको समझाया था कि ये दोनों एलील्स आपको एक साइड रखना है और ये दोनों एलील्स एक साइड रखना है, ऐसा नहीं है एक इधर इसका लेंगे एक इधर, ऐसा नहीं है। तो एलील लिया आपने आई टू द पावर ए एंड आई टू द पावर बी, और इधर क्या हो गया आई टू द पावर ए एंड स्मॉल आई, करेक्ट। अब इसको आप कंबाइन कराएंगे, क्या हुआ आई ए एंड आई ए, यहाँ कंबाइन कराएं आई ए एंड आई टू द पावर बी, क्लियर। आपको मैंने बताया था एक एलील उठाएंगे और इससे कंबाइन कराएंगे, यहाँ बॉक्स में लिखेंगे आई टू द पावर ए आई टू द पावर ए, यहाँ पे देखिए आई ए और आई बी, तो आई टू द पावर ए आई टू द पावर बी। अब देखिए दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे आई टू द पावर ए एंड स्मॉल आई, यहाँ लेंगे आई टू द पावर बी एंड स्मॉल आई, ये स्टूडेंट कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब देखिए पॉसिबल ब्लड ग्रुप की जो बात हो रही थी उसको हम लोग निकालते हैं, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या होगा चिल्ड्रन में, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स इन ऑफस्प्रिंग क्या होगा पॉसिबल, ये देखिए आई ए आई ए बना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, फ्लो चार्ट जो अभी चार्ट आपने बनाया था उससे आप मैच करा के देख सकते हैं, ए यहाँ पे आई टू द पावर ए आई टू द पावर बी, क्या बनेगा स्टूडेंट ब्लड ग्रुप ए बी, यहाँ पे देखिए आई ए स्मॉल आई हेट्रोजाइगस, तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ए आपने पहले लिख दिया है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई बी और स्मॉल आई, तो आई बी डोमिनेंट एलील है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा स्टूडेंट बी, यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उनके बच्चे में जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा ए बी होगा या बी बी आ सकता है। इसीलिए आप देखिए फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का ए बी है तो उनके चिल्ड्रन में बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, राइट, ये पॉसिबिलिटी है, क्लियर। और या इसको रिवर्स कर दिया जाए कि फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो उनके चिल्ड्रन में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो ए ए बी एंड बी, राइट स्टूडेंट। आई थिंक आपने इसको निकालना सीख लिया होगा, एक क्वेश्चन और लगाइए मैं बोल रहा हूँ और इसको आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है इफ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी फाइंड आउट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन देयर चिल्ड्रन। फिर से सुन लीजिए, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके चिल्ड्रन में क्या कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लड ग्रुप आएगा पॉसिबल, इसको ट्राई करिए। स्टूडेंट फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके चिल्ड्रन में कौन सा ब्लड ग्रुप ट्रांसफर होगा, लगा लिया आपने, आई थिंक सबने लगा लिया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्रॉस, फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो उनके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा, आइए इसको लगाते हैं। स्टूडेंट ए ब्लड ग्रुप के लिए हेट्रोजाइगस लेंगे, मैंने बताया आई टू द पावर ए स्मॉल आई, बी के लिए भी वही लेंगे हेट्रोजाइगस,
आप होमोजाइगस भी ले सकते हैं, बट होमोजाइगस लेंगे तो आपको हेटरोजाइगस से कराना ही पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट इनकम्प्लीट होगा। आप करा के उसको देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने एलील बनाया तो i टू द पावर a एंड स्मॉल i, और यहाँ पे क्या स्टूडेंट i टू द पावर b एंड स्मॉल i, ये बना एलील्स। अब इसका बॉक्सेस बनाएंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस, फोर। देखिए i टू द पावर b एंड स्मॉल i यहाँ रख दिया आपने, बहुत आराम से करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे स्टूडेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये मैथ्स है बायोलॉजी का। देखिए अब आपने इसको कंबाइन कराना है, i टू द पावर a, i टू द पावर b, ये आ गया i टू द पावर a स्मॉल i, यहाँ पे i टू द पावर b स्मॉल i एंड स्मॉल i स्मॉल i, ये स्टूडेंट आया जीनोटाइप। अब देखिए पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन ऑफस्प्रिंग, स्टूडेंट ऑफस्प्रिंग में पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, देखिए आई टू द पावर ए आई टू द पावर बी है तो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, आई ए स्मॉल आई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप, और स्मॉल आई है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, वो चारों ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी एंड ओ, और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल की पॉइंट बता दे रहे हैं स्टूडेंट, की फार्मूला कि ओनली एंड ओनली यही कॉम्बिनेशन है जिसमें चारों ब्लड ग्रुप आता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जिसमें क्रॉस कराने के बाद चारों ब्लड ग्रुप आता है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। यानी फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का बी है तो चारों आएगा, या रिवर्स कर दीजिए, फादर का बी है मदर का ए बी ब्लड ग्रुप है तो भी चारों ब्लड ग्रुप आएगा, और केवल यही कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट जिसमें चारों ब्लड ग्रुप आएगा, और किसी कॉम्बिनेशन में फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप नहीं आते। सो यू शुड ऑलवेज लर्न इट कि ए और बी का क्रॉस कराएंगे तो ऑल फोर ब्लड ग्रुप्स अपीयर्स, दैट इज ए बी ए बी एंड ओ स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखेंगे ए और बी कॉम्बिनेशन में ही ऑल फोर ब्लड ग्रुप आते हैं, दैट इज ए बी एंड ओ, और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं आते। इस पे आप ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करेंगे, डाईहाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, और जहाँ स्टूडेंट प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग आपके प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एज वेल एज बोर्ड, तो उसको बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और नई चीज़ सीखेंगे स्टूडेंट। टिल देन थैंक यू वेरी मच।